मोहम्मद आमिर कला मोहम्मद आमिर और बद्र आलम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे चाचा ये कटरी आपके लेकर कहां गया? आपके बच्चे नहीं है? अरे बेटा बच्चों का नाम तो ना पूछो, पोता पोती लड़का लड़की कुल मिला के 25 है। लेकिन मैं तो कहना नहीं आ रहा, थोड़ा आपने कहावत नहीं बोली, सौ कोई राम की एक नाम की, यही हमारा हाल है। तोबा तोबा ये कैसे बच्चे हैं, क्या आपने इन्हें तालीम नहीं दी? अरे बेटा हमने सोचा कि इनको हाफिज और मौलवी बनाएंगे, वो 3,000 रुपए में किसी मदरसे से या मस्जिद में नौकरी करेगा और वो 3,000 रुपए में रुकिया खाएगा और मुझे चर्च में खिलाएगा, इसीलिए हमने उन्हें पढ़ाया। अरे चाचा ये तो बड़ी गंदी सोच है, अंग्रेजी पढ़ाओगे तो खिलाएगा और मौलवी बनाओगे तो भूखा मारेगा। देखिए एक मौलवी साहब आ रहे हैं, जरा इनसे मालूम करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब हम आपके मदरसे में पढ़ते हैं। मौलाना साहब हम आपके मदरसे में पढ़ते हैं। देखिए चाचा क्या कह रहे हैं, मौलवी हाफिज 2-3 हजार की नौकरी पर 2-3 हजार की नौकरी करते हैं, ये खुद क्या खाएंगे अपने और अपने बीवी बीवी बच्चों का क्या खिलाएंगे, जरा इन्हें समझाएं। देखिए चाचा ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि अक्सर लोगों की यही सोच है, हाजिर खा कमा नहीं पाते। बहुत ही चाचा ये बहुत ही गंदी सोच है, जबकि खिलाने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है, वही रोजी देता है, वही खिलाता और खिलाता है। अगर रोजी का ताल्लुक फितरियों से होता तो ये अनपढ़ लोग बेचारे भूखे मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जिनको दस्तखत करना भी नहीं आता उनका नाम बड़े बड़े सेठों में शुमार किया जाता है। कहीं आपने देखा है कि मौलवी हाफिज बेकार घूम रहा हो या मंदिर आपने भूखा मर रहा हो या कुछ खुशी कर रहा हो या बेकार घूम रहा हो, हर जगह उसकी इज्जत खुशी है। इसके बदला आप देखेंगे बीएड पास घूम रहा है, डॉक्टर है तो उसकी डॉक्टरी नहीं चल रही, वकील है तो कोई कस्टमर नहीं आ रहा, क्या क्यों देखता है, बात सही है नहीं? हाँ मौलाना साहब आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे 2-3 दोस्त और लड़के मेरा जाने नहीं मानते। अरे चाचा अगर आप अरे चाचा अगर अपने अरे अरे चाचा अगर आपने इन्हें धीरी तालीम दी होगी तो आज आपका कहना मानते, आपकी इज्जत करते, आपकी खिदमत करते। हमारे मदरसों में यही पढ़ाया जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अब आज बात समझ में? हाँ हाँ कुछ कुछ आया। अच्छा चाचा दीन के दीन के बारे में तुम्हें क्या मालूम है? क्या सिर्फ तुम अकेले ही मुसलमान हो? क्या तो बताएं कुछ में कितने फर्ज हैं? कुछ में 11 फर्ज हैं। नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 मंजन परस्त होना, नंबर 3 लुंगी तौलिया का होना, नंबर 4 बाल्टी और लोटे का होना, नंबर 5 कपड़े उतार कर नल पर जाना, नंबर 6 दरदर छिपाने के लिए चट्टी का होना, नंबर 7 इस्तिंजा करना, नंबर 8 बैतुल खला जाना, नंबर 9 वजू करके जुमा की नमाज पढ़ना, नंबर 10 सबसे अहम बात तो ये है सर्दी में गर्म पानी लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है, और अगर तमाम चीजें ना पाई जाए तो जरूरी नहीं होगा।
अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह गुस्ल में दस फर्ज नहीं है बल्कि तीन फर्ज है। नंबर एक, अगर रोजे से ना हो तो मुंह भर कुल्ली करे। नंबर दो, नाक की नर्म हड्डी तक पानी जाए पहुंचाए। नंबर तीन, पूरे बदन में इस तरह पानी बहाए इधर जरा बराबर भी बाल बराबर भी कहीं सूखा ना रह जाए। अरे बेटा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो बहुत आसान है, हम समझ रहे थे कि तस्वीर होंगे, लेकिन आप ये बताइए इतनी अच्छी तालीम आपने यहाँ से हासिल की है। क्या आपको मालूम नहीं है आजाद नगर सुनील लाइन फतेहपुर में जामिया तजवीदुल फुरकान का इदारा चलता है। आप ये बताइए कि आपके मदरसे में क्या क्या पढ़ाया जाता है? कुरान, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, कुरान तजवीद, तरह तजवीद, दर्श निजामी के तालीम का बेहतरीन नफर चालू। चलिए बेटा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कर लीजिए लाइक। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।